हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, पूरी दुनिया, पूरा देश जो है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहा है। लोगों को उम्मीद है संबोधन से, क्योंकि पिछले दो संबोधन थे वो उनकी शॉकिंग वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो इस बार भी लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर उनको चौंकाने वाले। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभियान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको अभियान कि प्रधानमंत्री अपने इस वीडियो संबोधन में, देश के संबोधन में क्या कुछ नई बात कह सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे नजर आती है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार एक भावनात्मक अपील की है, इमोशनल अपील की है, हाथ जोड़ा है देश के सामने। आपके साथ मैं सारे उनके एड्रेसेस में रहा हूँ, तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही या उसका संकेत दिया कि लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए, सख्त कानून के जरिए कोई रास्ता वो अपनाना चाहते हैं ताकि इस पूरे माहौल को बेहतर हैंडल किया जा सके। लेकिन साथ में कड़वी सच्चाई ये भी है, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर खुद भी इससे निराश हुए होंगे, क्योंकि वो सही बात कर रहे थे जब उनके पिछले एड्रेस के बाद हमने खुद देखा कि लोग 5 मिनट के समय में जाके राशन की दुकानों पर लग गए, सामान खरीदने की कोशिश करने लगे, जबकि साफ साफ एडवाइजरीज में कहा गया कि कोई एसेंशियल कमोडिटीज पर आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो बड़ा फैसला मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आएगा, वो ये आएगा कि जो लोग उनकी अपील्स के बावजूद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत भावनात्मक तरीके से उन्होंने अपील की है, उसके बावजूद भी जो लोग नहीं उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, फिर क्या कानून का ज्यादा सख्त रवैया अख्तियार किया जाए, क्योंकि अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हो चुका है, अभी समस्या कोई जो है वो खत्म नहीं हुई है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लोग बसों के अड्डों पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो आई थिंक अनलाइक पास्ट, पहले की तरह हो सकता है प्रधानमंत्री थोड़ा और सख्त इस बार मैसेज दे, हालांकि वो फिर भी उसको लोगों से अपील और इमोशंस के ही दायरे में रखें। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।